सबके बचपन के फेवरेट कप नूडल्स एंड दीज आर ऑल द अदर कप नूडल्स इन द वर्ल्ड, मतलब अलग कंट्रीज और अलग अलग जगह से मैंने ये कलेक्ट करे हुए हैं। सो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आवर मिशन इज टू ट्राई आउट दीज कप नूडल्स एंड सी इनमें से एक भी इफ इट कैन बीट द ओजी निसिन। एक्चुअली गाइज आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए ना इनमें से आई एम गोना पिक द वंस दैट आर लेफ्ट ओवर फ्रॉम सिंगापुर, तीन ही बचे हैं। सबसे पहले इज तो दिस वन, नेक्स्ट वन इज दिस, लास्ट वन इज दिस। सो ये तीन बच्चे सिंगापुर की ट्रिप से, बाकी ये सारे तो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने जो भी पिक कर रहे हैं, देख के तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। सो वी आर गोना यूज गूगल ट्रांसलेट टू फिगर आउट। मैंने कभी ऐसे यूज नहीं करा यार। रियली? You just put it like this and it'll translate. Dense beef bone flavor. Oh. Yeah, but I can't have beef, so ye chhod dete hain. Wait, ispe acha ye beef likha hua hai yahan pe. Ha, something somewhere. Then let's go with this one. Ispe kya likha hai? Taste is king, so generous. I don't understand ke kya likha hai iske upar at all. Cold, soupy, chewy noodles, quick and convenient. Kimchi. Okay. This we can have. This is kimchi flavor. The last one is seaside family. अरे यार क्या हुआ? I hate seafood. Okay. Anyways, ये beef तो I don't have, so मेरे को जब मैं खरीद रही थी तो मेरे को समझ में भी आ रहा था पैकेट में क्या लिखा है, यूनिक लग रहा था तो मैंने उठा लिया। Oh dude, just look at the noodles, they're so different. So इसके अंदर there is this noodles and there are lots of sachet. इसको बनाना कैसे है bro? भाई Google Translate जिंदाबाद, seriously. Japanese is translating the wrong language. Boil with पूरा एग्जैक्टली तो नहीं समझ आया तो, बट इसमें ये लिखा है कि यू हैव टू पुट द नूडल्स एंड एड हॉट वाटर इन टू इट टिल द लाइन, बट वेयर इज द लाइन? देयर इज नो लाइन। ओके, सो वी पुट द नूडल्स हियर, वी पुट हॉट वाटर इन टू दिस, वी ढको फायर एंड कीप। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आई हैव अ फीलिंग माई ब्रेकफास्ट इज नॉट गोइंग टू बी गुड बिकॉज किमची एंड सी फूड दोनों आर लाइक फ्लेवर्स व्हिच आई डोंट रियली लाइक। सो ओके dude, there's some weird stuff here. What? I don't know. Yeah. Kuch black. I feel like these are expired. So for our breakfast, I think let's take this one. This is Japanese yakisoba noodles. Aaj sare noodles itne ajeeb kyu hai? So isme okay, yahan pe to likha hai you have to add water till here and sari seasoning wagara dal hi dete hai. This looks like normal. Oh no, you have to drain the water. Okay, so we add pani in this. I think ye wale acche hone wale hai. I don't know kyu mujhe ye feeling aa rahi hai, but packet acha lag raha hai na. Anyways, kyunki it's breakfast, so I thought थोड़ा सा ब्रेकफास्ट टच देना चाहिए। सो वी गोना मेक फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस एंड जस्ट लुक एट आवर ब्यूटीफुल ऑरेंजेस। एंड आई गॉट दिस फिलिप्स का जूसर, इट्स वेरी कन्वीनियंट। जैसे हम पहले बचपन में वो हाथ से ऑरेंज जूस निकालते थे ना फॉर फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, पर उसमें बहुत मेहनत लगती। हमने एक और ऑर्डर किया था एक्चुअली, वो भी दिखाई देते हैं हम। सो दिस इज द अदर जूसर दैट वी ऑर्डर्ड। ये तो जम्मा ही यूजलेस था। गाइस एक्चुअली दिस इज पोर्टेबल, तो अगर ये काम कर जाता इट वुड हैव बीन वेरी कन्वीनियंट फॉर अस, बट लेट मी शो यू व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू एंड व्हाट इट एक्चुअली डज। टेक द ऊपर वाला पार्ट आउट, यू पुट द ऑरेंज इनसाइड, ठीक है, एंड व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू इज पहले आप इसका अच्छे से बंद कर दो एंड टू ओपन इट यू जस्ट प्रेस इट फॉर लाइक 3 seconds। अब ये ऑन हो चुका है, सो यू जस्ट प्रेस दिस बटन वंस एंड दिस गोज ऊपर लाइक दिस एंड इट्स सपोज्ड टू जूस आउट। ओ शिट, इसको बंद करना होता है। अभी देखने में यू गाइज माइट बी थिंकिंग के हाँ जूस निकाल तो दिया है इसने, बट यू ओपन दिस नॉट इवन हाफ द ऑरेंजेस जूस, लाइक आई कैन क्लियरली स्क्वीज आउट मोर देन व्हाट द मशीन टुक आउट। दिस इज बेटर, आई विल शो यू ये कैसे काम करता है। टेक अ ऑरेंज एंड इसका सिस्टम इज बेसिकली यू प्रेस डाउन एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। हां, इसमें आपको मैनुअल एफर्ट, थोड़ा एफर्ट लगेगा। सो यू प्रेस इट डाउन एंड इट स्टार्ट्स स्क्वीजिंग आउट द जूस एंड इसमें पता है क्या है, क्योंकि मैनुअल एफर्ट है, यू कैन मेक श्योर पूरा ऑरेंज का जूस आप निकाल लो। एंड यहाँ पे ऊपर ना एक और फीचर है, इफ यू वांट द पल्प यू कैन चेंज इट लाइक दिस, तो क्या होगा पल्प चला जाएगा नीचे, बट इफ यू वांट इट स्ट्रेन्ड यू कैन मेक इट लाइक दिस, तो सिर्फ जूस जाएगा नीचे। इट्स परफेक्ट एक्चुअली, काफी दिमाग लगाया इन्होंने। एंड सी इट्स कम्प्लीटली डन, पूरा ऑरेंज वो हो चुका है। ओके, आई थिंक हमारे नूडल्स हो गए होंगे। ओके, काफी जल्दी बन गए यार। ओके, द वाटर हैज टू बी ड्रेन्ड, सो ये हमारे एक्सपायर्ड नूडल्स के कवर में पानी डाल देते हैं। Let's look at our other noodles. I don't know इसका क्या scene है। Oh, these are rice noodles ऐसा लग रहा है ना भाई साहब। So good.
Oh my god! Bro, I think these are the noodles जिनको वो scissors use करते हैं काटने के लिए because they just don't stop. Let's remove the water. I think this will be comparatively easier पानी निकालने के लिए क्योंकि sir no never mind. I don't know. But now I'm excited for this. It is time to put the numerous masalas jo aaye iske saath. I highly doubt this is going to taste good. Don't judge a noodles by its smell. Usually smell is a huge indicator of how good the noodles are. Plus I feel like fish ki smell aayegi to it's just fish sauce and wo nahi dalenge to I feel like it I might like it. So this smells like soya sauce. So we will add it. The consistency also felt like soya sauce only. Yeah. But bro, I'm excited. अरे बाप रे बाप रे बाप. Look at that. खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है. It smells nice. Yeah, I feel like I was worried about the seafood flavor, but this might end up tasting good. Okay, let's make the दूसरे वाले पहले. This is the masala sachet. This looks sad. And this is the oil. This is going to give it the color which is on the photograph. बनाने के बाद these look more interesting than these. ये लेकिन देखने में बहुत बेकार लग रहा है. हाँ, these noodles don't look good. Have you heard that? Saying you first eat with your eyes. Okay, regardless, this is how it looks. Let's try. Try. It's nice, no? It has a nice umami soya sauce taste. बस वही taste है उसका. हाँ, मतलब थोड़ा फीका है, but taste is nice. Juice ready हुआ हमारा. Juice लेकर आओ जल्दी. हाँ, बात तो वही इसका ही का. Just look at that length. नहीं अच्छा लगा. अरे यार देख के ना इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई थी. Try, बहुत अच्छा है. इसमें से अजीब सी खुशबू आ रही है ब्रो. प्लीज अच्छा हो. बहुत सोया सोसी टेस्ट है. It's weird, हाँ. I feel like दोनों की taste बहुत similar है. इसका noodles का texture मेरे को अच्छा लग रहा है, but it's so खट्टा. ऐसा लग रहा है जैसे चार नींबू निचोड़ दियो हैं इसके अंदर. Never go by looks, guys. I was wrong. ये cute सा mug मुझे मम्मा ने gift करा था from home center. Juice बनता है, all you have to do is this, and the entire juice would go into the glass. Nice breakfast. I will see you. And my next meal. Our next meal is probably going to be outside. तो मैं हम बाहर जा रहे हैं basically. So I'm just gonna pick any to क्या लेके जाए. Guys, he's so sweet. Okay, let's go with these two. Okay, तो हम बाहर आए हुए थे to HSR layout और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग गई. उसका ना मैं पूरा preparation करके आई हुई हूँ by the way. So मैं लेके आई हूँ for our मतलब actually evening snack 6:30 ही बज चुके हैं तो it's like evening snack dinner क्योंकि मैं 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं हम दोनों. So I've got यू का ये रेड हॉट चिकन नूडल्स देन वेज नूडल्स बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि वेज और नॉन वेज में बहुत डिफरेंस होता है और एक अच्छा निकल आता है. और इनको गाड़ी में बनाने के लिए आई फाउंड दिस सुपर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. इट्स कॉल्ड एज द इंस्टा हॉट फ्लेमलेस फूड हीटर. जैसे आपके स्कूल वगैरह में फ्लेमलेस कुकिंग चैलेंजेस होते हैं सो दिस माइट बी यूजफुल. इसके अंदर लेट मी शो यू क्या क्या है. सबसे पहले सो देर इज अ हीटिंग पाउच. देर आर 3 हीटिंग पाउचेस. सो आई थिंक व्हाट यू हैव टू डू यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू टेयर ओपन फ्रॉम टॉप. इसको खोलना है प्लेस रेडी टू ईट फूड पैकेट. सो इसके अंदर ना इन्होंने जिपलॉक पाउचेस भी दिए हुए हैं सो आप रेडी टू कुक की चीजें इसके अंदर डाल सकते हो. एंड देन यू हैव टू put it inside this. मतलब ये खुल जाएगा I think. Okay, I think let's just try making it. How do I open this? Tear from here. Okay. What's inside? उसपे लिखा है place this on ground. हाथ में नहीं रखना है. हाँ okay okay. I'll keep it on the गाड़ी का वो. There is something inside, dude. There's some sachet or something. I think it'll get activated when we put water in it. Let's put in the veg वाला पहले. Oh, dude. It has like proper Maggie noodle type packet. वैसे ये cup noodles है ना? हमें इससे मेजर करना है पानी. आई थिंक जैसे ही हम पानी डालेंगे इट्स गोना तो बंद भी तो करना है. या आई नो आई एम स्कैर्ड. अरे यार डर लग रहा है मेरे को. आई विल कीप इट लाइक दिस.
रेडी? I have to open this, right? थोड़ा सा इधर ना, बस बस अब वो कर दे, फोल्ड कर दे। I don't think. What is happening? It's boiling. It's heating, dude. आवाज आ रही है. धुआं तो आ रहा है. ये मैं बना दूँ ना? हाँ हाँ, you make that. Wait, open this. Take this out. गर्म है यार. It's hot. Bro, that is so cool. Yeah. Okay, put it into the noodles. I cannot believe that the water became hot. I want to know the technology. Me too. मतलब कैसे हुआ? Okay. कोई तो exothermic reaction. 5-6 minutes हो चुके हैं इसका रखे हुए. सबसे पहले let's try the veg वाला. I am very curious to see. Okay, guys, ये काफी हद तक बन चुके हैं नहीं? मतलब I can't believe ये product ने पानी इतना गर्म कर दिया कि noodles बन गए. देखो पूरी तरह, हाँ मतलब इट्स नॉट लाइक बॉइलिंग वाटर, इट्स लाइक वार्म टू बॉइलिंग के बीच में समथिंग, बट इट्स ओके. हल्के कच्चे हैं, मतलब आई थिंक यू कैन सी दैट इट्स अ लिटिल कच्चा, बट ठीक है ट्रैवल के लिए. आई थिंक इट्स 80% कुक. स्पाइसी है? कौन सा फ्लेवर है ये? रेड हॉट कोरियन चिली फ्लेवर. ओ इट्स अ कोरियन चिली फ्लेवर ऑन चिकन. हाँ इट्स एक्चुअली प्रिटी स्पाइसी. ओके दिस इज हाउ द चिकन वाला लुक. देयर आर नॉट चिकन पीसेस, आई थिंक इट्स जस्ट लाइक चिकन ब्रॉथ फ्लेवर. हाँ फ्लेवर एक्चुअली दोनों का सेम है. वेज और नॉन वेज में एज सच कोई टेस्ट में डिफरेंस नहीं है. आई डोंट नो व्हाट ही वांट, ही जस्ट वांटेड टू कम आउट ऑफ द कार. एनीवेज ओके, so I feel like ये noodles are definitely a pass. मतलब ये दोनों cup noodles taste में बहुत अच्छे हैं, but I think you should either मतलब put the cup noodles along with the pani in the hot bag instead of putting so much water like we did. So maybe cup noodles better बनते. हमको इतना पानी नहीं चाहिए था. कम पानी डालते. हाँ तो ज़्यादा गर्म होता है. Yeah, I didn't think of that. These noodles are definitely like वो Korean spice अच्छा आ रहा है. Smell like them. So the noodles are also a hit. And I feel like product के लिए ना we'll do a reel and check it out once more to see के कैसा काम करता है. अभी के प्रोडक्ट इज अ 50-50. ओके सो वेलकम टू डे 2 ऑफ द चैलेंज. पहले दिन ज्यादा खाया नहीं गया मुझसे, वैसे मेरा एपेटाइट बहुत कम हो गया आजकल. एनीवेज फॉर लंच हमारे पास ना ये ब्रांड है व्हिच इज कॉल्ड एज ब्लू ड्रैगन. इनके पास थाई फूड होता है जनरली इन कप नूडल फॉर्म. सो दो फ्लेवर्स है, वन इज द थाई ग्रीन करी एंड द अदर वन इज थाई टॉम यम. अभी आई रिमेंबर ग्रीन फूड चैलेंज में आई ट्राइड द ग्रीन करी फ्लेवर व्हिच आई डिडंट रियली लाइक, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई दैट अगेन. We're gonna try the tom yum flavor. तो अभी पानी गर्म करने रख देते हैं. Plus, if you're wondering यहाँ पे इतने सारे ingredients क्यों हैं, it's because I'm going to try to attempt to plate a cup noodle like a master chef dish, like a proper fine dine kind of a thing. मेरे को इसकी packaging ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आ रही. मेरे को अच्छी लग रही है, blue color सुंदर लग रहा है मुझे. So इसमें क्या करना है? This you have to make like normal noodles. You don't have to drain the water and all. You put the masala inside. It started smelling like red lays. Tom yum ka waisa hi taste hota na, thoda khatta khatta. Yeah. But this. Now we wait. Guys, बहुत नींद आ रही है मुझे आज. For some reason, पिछले दो दिनों से मुझे और हरविंदर को बहुत नींद आ रही है. मेरे को तो बुखार भी हो रहा था थोड़ी देर पहले. But I was like, challenge is a challenge. Okay, while this is cooking, I want to show you something जो मैंने order करा था. यार ये ना जो भी Instagram ads चलाते हैं businesses, I feel like they target me food businesses. कुछ भी ऐसा unique सा दिखता है, I'm like, okay, उसको खरीद लेते हैं. ये तो मैंने order करा था. हाँ, क्योंकि उसपे ना दिखाता limited edition, only 600 pieces left, 400 pieces left. और मेरे पास network नहीं था, तो मैंने उसको call करके बोला कि bro, order कर दे, it's too exciting. इसकी packaging पे ही लिखा हुआ है कुछ reviews. It's like liquid fire. It burns. I love it. I think I would also give it that review. अगर मेरे को पसंद आया तो. It says, can you handle the heat? Death dip. यार इसकी packaging मस्त है. Okay, let us open it. So, let's उल्टा निकला. Okay, this looks nice. So, basically, as you guys know, tom yum is khatta, not spicy, and like more for like kids flavors. So we're gonna add a little bit of this death dip. See ki hame kaisa lagta hai. Abhi I think 2-3 minute ho gaya. So let's open up our noodles. This looks done, no? Yeah, it's all done, and the noodles are so patla and nice. Now my plating strategy. Sabse pehle we're gonna separate the noodles from the soup. Why? I will tell you. Okay. We are going to plate with these two pieces. So, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हमारी broth. अच्छा. भाई ज़्यादा fancy नहीं हो गया थोड़ा?
मार्केटिंग टैक्टिक, बाय दिस 50 रुपए का रेस्टोरेंट खोल के बेचो फाइल लाइक दिस। फाइन डाइन रेस्टोरेंट। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई नीड this. Okay, I don't know if you guys have seen how spaghetti is served, but 5-star ke restaurant chefs aisa karte hain, they take something like this, not exactly this, but two tongs wala, they put it inside the noodles and they try to create like a circle out of it, which I think I'm very badly failing at. So I was trying to plate it like spaghetti, like kya kaafi fancy sa ho gaya. Achha, decent. Hey, good. What is this decentness you're saying? We shouldn't put all the noodles because fine dining means कम quantity. Wow. So ये वाला हम छोड़ देते हैं. सबसे पहले we'll add थोड़ा सा spring onion on top. We'll add one basil leaf in the center. Okay. And we're gonna add cherry tomatoes in the side to make it look very fancy. थोड़ा सा now we're gonna go in with a dude. This looks deadly. Yeah. Is this a dip or what is this? This looks like achar. Yeah. Let's just add a tinge of it on top of the chili. And guys, our fine dine cup noodles are ready. It took about what? 5 minutes. But this feels like a nice meal. Aisa lag raha hai maine apne khud ke liye mehnat kari hai thodi si. It is time for you guys to rate my MasterChef plating. And it is time for me to try this and see ki ye kaisa hai. So let's add 5 on 10. इतना तो सुंदर बनाया मैंने इसको। अच्छा अच्छा, जस्ट प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी सब ठीक है। फाइन डाइन रेस्टोरेंट की क्वांटिटीज, खाने का तरीका, नथिंग इज प्रैक्टिकल। ओके, डू इट। रेडी? यप। या, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ए, शुश। आई फील लाइक दिस इज गोना बी पेनफुल। एनीवेज, लेट्स टेक अ बाइट ऑफ आवर डेथ डिप प्लस थाई डोमिनो। स्पाइसी लग नहीं रहा, सारा सूप में ही रह गया होगा ना स्पाइस तो। वाओ, फाइन डाइन रेस्टोरेंट में तो वैसे ही खाओगे। स्पाइसी नहीं है ये तो, मैंने थोड़ा सा डाला। नीचे नहीं जा रहा, अटक गया। पानी पी जल्दी। आई थिंक आई टुक, my god, I took two bigger bite. यहाँ पे I could feel it अटका हुआ। Usually इस point पे Red Bull आते हैं guys. आज Red Bull है नहीं हमारे पास। Red Bull sponsor us so that we don't have to order again. What is this? Anyways, ये ना actually पता है क्या है, जो हमने death trip डाली है उसकी वजह से इसका taste काफी अच्छा हो गया, क्योंकि नहीं तो सिर्फ खट्टा और bland सा taste था। So overall this combination I'm liking. The basil leaf is adding a very nice freshness to it. Oh, okay. And the tomatoes? Tomatoes is giving tom yum ka extra flavor. Okay, and having the soup in the plate. Guys, I feel like अभी तक हमने जो भी कप नूडल्स खाए उनमें से nothing beat our Nissin OG cup noodles. इसीलिए I've decided to pit Nissin versus Nissin. तो डिनर के लिए बाकी सारे निसिन के फ्लेवर्स मैं सारे लेके आ चुकी हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले इट्स अ कप नूडल चिली 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 सुपर हॉट निसिन कप नूडल्स। ये मैंने बहुत पहले ट्राई करा था, सो आई डोंट रिमेम्बर द टेस्ट। चिली 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 क्या होता है? देन वी हैव द स्पाइस चिकन, स्पाइसी चंकी चिकन कप नूडल्स, रिच सी फूड करी, विच आई फील लाइक अच्छा नहीं होने वाला बिकॉज आई डोंट लाइक सी फूड, टैंगी टोमेटो कप नूडल्स, एंड लास्ट में वी हैव द वेजी मांचाओ स्पाइसी वेजिटेबल फ्लेवर। आई डिड नॉट नो के निसिन के इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं। हमारे नूडल्स आर ऑल रेडी कप नूडल्स, एंड वी आर गोना स्टार्ट फ्रॉम माय लीस्ट फेवरेट, द सी फूड। आई रियली रियली हेट सी फूड। दिस टाइनी प्रॉन्स, आई डोंट लाइक सी फूड बट इट्स अडोरेबल। आई एम गोइंग टू ईट इट विदाउट द प्रॉन बिकॉज आई डोंट नो, एनीवे टैंगी टोमेटो। सो इसके अंदर ना देर इज काफी लाल लग रहे हैं ये, मे बी बिकॉज ऑफ द टोमेटो टेस्ट, एंड इसमें थोड़ी सब्जियां वगैरह भी ज्यादा है कंपेरेटिवली। आई एक्चुअली लव निसिन के कप नूडल्स का टेक्सचर। दिस स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक टोमेटो केचप डाल दियो कप नूडल्स में। ये तो अच्छे नहीं होने वाले, यू नेवर नो, नहीं तो डेथ ड्रिप डाल देंगे इसके अंदर बस।
this is Nissin ke masala cup noodles with ketchup. If you put ketchup in your Maggie, you might like this. I'm not that crazy. I like this less. तो इसको पहले ट्राई करता है. ओके, देयर आर पीसेस ऑफ चिकन. इवन पैकेटेड नूडल्स में यू डोंट गेट इतना चिकन. ऐसा एक चिकन ब्रॉथ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. द चिकन इज फ्लेवरफुल. लेट्स गो फॉर द मांचाओ वाला पहले. इसमें से वेजिटेबल मंचूरियन की खुशबू भी आने लग गई है. अब देसी इंडियन जो मंचूरियन होता है बेसिकली उसी में कप नूडल्स डाल दिया ऐसा लग रहा है. इट्स नॉट अ बैड फ्लेवर. आई लाइक्ड इट. ओके, बेस्ट वन. लास्ट वन. Let's see whether this one can beat the Nissin wale. Just look at how nice. ये तो सबसे अच्छे यही लग रहे हैं देखने में. देखने में तो हाँ, definitely. जब भी ऐसे लाल रंग दिखता है तो you immediately connected to like spicy तीखा मसालेदार. Bro, best. हाँ, because flavor is nice, but it's spicy और ज़्यादा मसाला वाले. If you have not tried ye Nissin ke chili 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 super hot cup noodles, you are missing out because it's spicy, it's masaladar, it's chatakedar, it's just amazing. Naam bhi chili chili chili, sahi hai. I hope aap log ko ye video pasand aaya, eating cup noodles for 48 hours. Let me know in the comment section hamara next challenge kya hona chahiye. And don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.